नमस्कार दोस्तों, मैं खड़ा हूँ हरिद्वार में मनसा देवी उड़न खटोला पर। अभी थोड़ी देर पहले मनसा देवी उड़न खटोला चालू हुई है, जो कि कोविड 19 के कारण बंद हो रखी थी। यहाँ पर पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम यात्री जो हरिद्वार में मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी चेकिंग हो रही है बाकायदा। लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और मैं आपको आइए बाहर और लोगों से मिलवाता हूँ। यहाँ पर कोविड के मद्देनजर व्यापारियों में भी काफ़ी रोष था कि सरकार ने उड़न खटोला को बंद किया हुआ था, जो कि आज ही सुबह थोड़ी देर पहले भी खोली गई है। यहाँ पर देखिए पूरी कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। टिकट दिखा दीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा लोगों से भी जानना चाहते हैं, कैसा लग रहा है सर आपको कि उड़न खटोला आपसे चालू हुई है? हाँ सर, चालू हुआ। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। और हम यहाँ पे दो तीन व्यापारियों से बात करना चाहेंगे। बहुत सुंदर रखा है यार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा अच्छा। अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ थी पहले आपको? अरे रोटी रोज नहीं थी, यात्री नहीं आता था। यहाँ यात्री आते थे, बुढ़े बुजुर्ग लोग बहुत परेशान होते थे। बोलो अच्छा। आते जाते हम लोगों को भी तरस आता था यार, कैसे चढ़े कैसे चढ़े। तो अब तो संतुष्ट है आपकी अब सरकार तो से? बहुत, अरे बहुत संतुष्टि है सरकार। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा व्यापारी गण है, ये सरकार के फैसले से खुश है कि सरकार ने जो उड़न खटोला को चालू किया है, ये बहुत ही एक सही फैसला है। यहाँ पर हम और अपने व्यापारी भैया से बात करेंगे, इनकी दुकान है। भैया आपको कैसा लग रहा है कि जो आज से उड़न खटोला चालू हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की गैर पैर है, यहाँ के दुकानदारों को 4 मिले हैं, जो बेरोजगार बैठे थे उनको आज रोजी रोटी मिली है, उनके चेहरे पे खुशी है। तो क्या क्या समस्याएं अभी इस बीच में आप लोगों को देखनी पड़ी? ऐसी ऐसी समस्याएं देखनी पड़ी, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि शाम को रोटी का इंतजार करते हुए क्या क्या करेंगे, घर जाएंगे तो बच्चे सिर होते हैं, क्या कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, समझे ना। 4 महीने के बाद इस गली में रौनक आई है। तो जैसा कि आपने सुना, ये बता रहे हैं 4 महीने के बाद इस गली में रौनक आई है। यहाँ पर हम कुछ और हमारे जो यात्री हरिद्वार आ रखे हैं श्रद्धालु, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप रह गई है, गई है, आपको कैसा लग रहा है कि अभी अभी उड़न खटोला चालू हुई है हरिद्वार में? तो पैदल ही चढ़ के आ रहे हैं अभी। अच्छा, तो आप इनसे सुन सकते हैं कि ये पैदल ही चढ़ के आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि सूचना प्राप्त हुई थी इसलिए मैं यहाँ पर इसको कवर करने के लिए आया। आप देख रहे थे हरिद्वार का सबसे बड़ा फेसबुक डिजिटल चैनल हरी टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।